नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही नहीं, प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी शहद को भगवान के प्रसाद का रूप ही माना गया है। प्राचीन काल से शहद के असाधारण गुणों को हर धर्म ने स्वीकारा है। आंखों की ज्योति, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने जैसे राज को समेटे गुणकारी शहद में लंबे समय तक खराब ना होने का भी सामर्थ्य है। फाइव एलिमेंट्स हेल्थ एंड सोसाइटी के डॉक्टर जोगिंदर टाइगर कहते हैं कि शहद में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अति आवश्यक हैं। शहद और चीनी दोनों मीठे होते हैं, पर शहद चीनी से 75% अलग होता है। आसानी से पचने की वजह से ही चीनी से ज़्यादा फायदेमंद है। 1 साल से कम उम्र के शिशुओं को शहद नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो शिशु बीमार हो सकते हैं। मधुमेह के मामले में शहद से भी रक्त में शुगर का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को शहद का इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। मनुका शहद दुनिया का सबसे लाभकारी शहद माना गया है। आंखों की ज्योति बढ़ाता है। शुद्ध शहद को आंखों में लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। शुद्ध शहद को आंखों में लगाने से जलन होती है, परंतु चिपचिपाहट नहीं होती। गुलाब जल के साथ शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर नियमित रूप से आंखों में डालने पर रतौंधी रोग में भी फायदा होता है। चेहरे के काले धब्बे हटाकर सुंदरता लाए। चेहरे पर काले धब्बों को हटाने में ये बेहद कारगर है। दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए चेहरे पर शहद और ताज़े नींबू के रस को बराबर भाग में मिलाकर लगाएं, इससे चेहरे के काले धब्बे मिट जाएंगे। शहद एक अच्छा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर भी माना गया है। सूखी त्वचा, खुजली और विभिन्न त्वचा रोगों को दूर करता है। होंठों पर शहद लगाने से होंठ नरम व मुलायम होते हैं। मुहांसों पर रात के समय दालचीनी चूर्ण और शहद मिलाकर लगाने से और सुबह धोने से मुहांसे ठीक होने लगते हैं और साथ ही चेहरे के दाग भी कम होते हैं। शहद का सेवन अस्थमा में हितकारी। अल्कोहल और एथेरल तेल तत्वों की वजह से शहद अस्थमा में लाभकारी है। शहद से भरा बर्तन नाक के नीचे रखकर सूंघने से श्वास सामान्य होती है। इसका असर 1-2 घंटे तक रहता है। अस्थमा रोग में 1 साल पुराना शहद दूध या पानी के साथ लेने से बहुत फायदा होता है। हैंगओवर को करता है कम। अधिक शराब पीने से अगले दिन होने वाले हैंगओवर को कम करने में शहद का सेवन अहम भूमिका निभाता है। शहद पाचन में है मददगार। शहद में सहायक बैक्टीरिया भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाकर एलर्जी को कम करता है। शुगर के स्थान पर शहद का इस्तेमाल आंतों में फंगस से पैदा हुए विषैले प्रभाव को कम करता है। शहद कब्ज, पेट फूलने और गैस में लाभकारी होता है। कब्ज होने पर शहद को टमाटर या संतरे के जूस में मिलाकर नियमित सेवन करने से कुछ दिनों में पूर्णता लाभ मिलता है। टाइफाइड निमोनिया में शहद के सेवन से लीवर और दांतों की कार्यक्षमता बढ़ती है। शहद सीने की जलन, उल्टी में भी आराम देता है। ताज़ा अदरक को धोकर व छीलकर छोटे टुकड़ों में काटकर उसे एक चौड़े मुंह वाली शीशे की बोतल में शहद में डुबोकर बोतल के मुंह को एक पतले सफ़ेद सूती कपड़े से ढककर 12 दिनों तक धूप में रखें। फिर सुबह शाम 2-4 टुकड़े शहद के खाने से अपच व बदहजमी की समस्या से छुटकारा मिलता है। मोटापे को करें कम। हल्के गुनगुने पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर सुबह पीने से वजन कम किया जा सकता है। इसके सेवन से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। शहद, नींबू और गुनगुने पानी का सेवन एक बार में लगातार 30 दिनों से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और थोड़ा अंतराल देकर पुनः आरम्भ कर सकते हैं। शहद को गर्म करने से उसके लाभकारी तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए शहद को गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। एनीमिया या खून की कमी करता है दूर। शहद और गुनगुने पानी का मिश्रण खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की स्थिति में लाभ होता है।
आयरन की कमी यानी एनीमिया की स्थिति में थकान, सांस फूलना और कई बार उदासी और दूसरी समस्याएं होती हैं। शहद खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाते हुए इन समस्याओं को कम करता है। सर्दी जुकाम में है शहद रामबाण। अदरक का रस और शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलता है। काली मिर्च के 10 से 12 दानों को कूटकर उन्हें 2 छोटे चम्मच शहद में रात भर भिगोकर रखने के बाद तथा सुबह चबाते हुए काली मिर्च के दाने खा लेने पर सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। शहद में थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं। शहद एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में फायदेमंद है। 3/4 कप पानी में 4 छोटे चम्मच अदरक का रस, 4 छोटे चम्मच शहद और 2 छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम से जल्द राहत मिलती है। घाव या जलने पर करता है मदद। घाव पर शहद सीधे लगाने की बजाय पट्टी या रुई पर लगाकर फिर घाव पर लगाने से घाव का तरल निकाल देता है। इस स्थान से बैक्टीरिया नष्ट कर शीघ्र भरपाई करता है। खरोंचों पर शहद मलने से घाव तेजी से ठीक होता है और निशान भी हल्के पड़ते हैं। जोड़ों का दर्द और जकड़न को करता है कम। जोड़ों पर दालचीनी और शहद मिलाकर धीरे धीरे मालिश करने से आराम मिलता है। चाय में शहद और दालचीनी मिलाकर पीने से जोड़ों का दर्द और जकड़न दूर होती है। रक्तचाप में है फायदेमंद। शहद का सेवन हमारे शरीर के रक्तचाप असंतुलन को दूर करता है। 1 चम्मच लहसुन का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम पीने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। शहद का नियमित सेवन ऊर्जावान और फुर्तीला भी बनाए रखता है। याददाश्त करता है तेज। शहद याददाश्त तेज करता है। कमजोर तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है। शहद का नियमित सेवन खोई हुई शक्ति वापस लौटाता है। शहद शरीर को सुंदर, स्फूर्तिवान, बलवान, दीर्घजीवी और सुडोल बनाता है। इन्फेक्शन में गुणकारी। शहद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संक्रमण की पुनरावृत्ति रोकता है। मूत्र के इन्फेक्शन में शहद और दालचीनी चूर्ण को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बैक्टीरिया दूर होते हैं और आराम मिलता है। दांत के दर्द में शहद को रुई के फाहे में लगाकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से राहत मिलती है। मसूड़ों पर शहद लगाने से मसूड़े मजबूत होते हैं। मुंह के छालों पर शहद लगाने से वह भी जल्दी ठीक होते हैं। शहद, गुनगुना पानी, दालचीनी चूर्ण मिलाकर कुल्ला करने से सांस की बदबू से छुटकारा मिलता है। बालों की कंडीशनिंग करता है। बालों की अच्छी कंडीशनिंग के लिए शहद और जैतून का तेल मिलाकर बालों में लगाकर तौलिए से ढककर 20 मिनट लगे रहने के बाद शैम्पू करने से बाल घने, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। शहद कैसे बनता है, क्या है इसकी पहचान। 500 ग्राम शहद बनाने के लिए आने जाने में मधुमक्खियां पृथ्वी के 3 चक्कर के बराबर दूरी तय करती हैं। 1 किलो शहद में 5500 कैलोरी ऊर्जा होती है। मधुमक्खी के छत्ते से पाए जाने वाले मोम से बनी मोमबत्ती वातावरण को शुद्ध करती है। अच्छी खुशबू, कम धुआं और तेज रोशनी देती है। शहद में पानी का अंश बहुत कम होने की वजह से इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। गुड़, घी, चीनी, मिश्री, तेल और मांस मछली के साथ शहद खाना नुकसानदायी हो सकता है। असली और नकली शहद की एक पहचान यह भी होती है कि असली शहद मक्खी के पंख से चिपकता नहीं और जबकि नकली चिपक जाता है। 1 दिन में 1 चम्मच शहद का सेवन ही उपयुक्त है। शहद को ज़रूर से ज़्यादा खाना हानिकारक हो सकता है। सो दोस्तों, यह थी शहद के फायदों से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।